हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 5.27 सरफेस केमिस्ट्री एनसीईआरटी सॉल्यूशन। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट कोलाइड इज नॉट जस्ट अ सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। वेल बच्चों, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस ग्राहम। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? दिस इज थॉमस ग्राहम। इन्होंने बताया था कि हम किसी भी सब्सटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इन्होंने जो डिवाइड किया था वो किया था क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलाइड्स में। एक्चुअली आप क्रिस्टलॉइड्स को ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन की तरह होता है, ठीक है, और कोलाइड्स में। तो अभी मैं इसमें डिफरेंस भी बताती हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर आप NaCl को, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट को, अगर पानी में मिला रहे हो तो ये पूरी तरह से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे NaCl जो है पूरी तरह से घुल जाएगा, और यहाँ पे 1 nm या उससे भी छोटे साइज में आपको ये पार्टिकल मिलेंगे। तो इसको हम क्रिस्टलॉइड बोल सकते हैं या ट्रू सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और अगर हम इसी NaCl को बेंजीन में डिजोल्व कर दें तो बेटा ये कोलाइड कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या है ना, पार्टिकल साइज आपका 1 nm से 1000 nm के बीच में हो पाएगा, क्योंकि पूरी तरह से डिजोल्व भी नहीं होगा आपका जो बेंजीन है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये पूरी पूरी बात की वो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करेगा या कोलाइड की तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल साइज पर डिपेंड करता है डिस्पर्जन फेज के। इसलिए हम कह सकते हैं जो कोलाइड है वो इट इज नॉट अ सब्सटेंस बट इट इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एक तरह से सब्सटेंस की स्टेट है, प्योरली हम उसको नहीं बोलेंगे। तो हम इसको स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज द सेम सब्सटेंस इज वन सॉल्वेंट में बिहेव एज कोलाइड, क्योंकि अगर आप इसको पानी के साथ मिलाए तो अलग तरह से बिहेव किया, और दूसरे सॉल्वेंट के साथ मिला दिए तो अलग तरह से बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू, ये किस बात पर डिपेंड करता है? पार्टिकल साइज पर, वो भी डिस्पर्जन फेज के। बच्चों, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।